Habibi, come to Dubai. पुडग्रीसा में एक दिन रुक लो, बार में एक दिन रुक लो, एक दिन दो दिन बुधवा में और दो दिन आप कतौर में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई इस बोट की टिकट मैंने ली है 5 यूरो की, और क्या कहते हैं इसको, पानी की बोतल ली है 150 यूरो की। तो चलते हैं, अब आपको माहौल दिखाते हैं यहाँ का। इस किस्म की बोट है जाने और आने के लिए 5 यूरो। तो भाई ये काउंटर है जहाँ से मैंने इस बोट की टिकट ख़रीदी है, इसको टैक्सी बोट भी कहा जाता है। तो भाई कुछ इस तरह का माहौल है, ये बुधवा सिटी है, मैं इस वक्त बुधवा सिटी के अंदर हूँ। ये ओल्ड टाउन का एरिया है, जो बीच है यहाँ का। तो भाई पानी की बोतल ली है 1.5 यूरो की। तो भाई ये है माहौल, यहाँ के बीच का। तो भाई इस वक्त हमारी बोट जो है वो किनारे पे लगने वाली है। आप पूरा दिन भी इस आइलैंड पे गुजार सकते हैं, आप आएँ यहाँ पे, अगर स्विमिंग के आप शौकीन हैं। मैं आगे जाके आपको व्यू दिखाऊंगा इसका कि कैसा है। तो ये आप पूरा दिन भी यहाँ पे गुजार के जा सकते हैं, चिल कर सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी इतना जो है ये कोई बड़ा आइलैंड नहीं है, लेकिन ये है कि ये स्विमिंग के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। आप ये बीच, पब्लिक बीच है, फ्री वाला, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई चलें उतरते हैं बोट से और आपको यहाँ का जो है एक लुक दिखाते हैं कैसा है। तो भाई ये ओल्ड टाउन के पास ही है, आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। किसी से भी पूछें, हॉस्टल से भी पूछें, आपको पता। तो भाई पहुँच चुका हूँ मैं, आधी टिकट उन्होंने काट के रख ली और आधी टिकट जो है वो वापसी के मैंने दिखानी है। अब इस आइलैंड का देखते हैं क्या मज़ा है, कहीं बैठते हैं तो जूस वूस पीते हैं। तो यहाँ से भाई जो वो साइड है पूरी की पूरी, वो देख सकते हो आप, नज़र आ रही है। ये बोट है और ये चारों तरफ का जो है ये। और वो सामने ओल्ड टाउन है, मेरे ख्याल में तो वही है। ये वो है कि कोई और है? तो भाई यहाँ के व्यू पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। ये पूरी बीच की एक्टिविटी है यहाँ पे, सब लोग स्विमिंग वगैरह के लिए आते हैं।
तो इस तरह का माहौल है भाई यहाँ पे। स्विमिंग के लिए मेरे ख्याल में ये बेस्ट जगह है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ नीचे रॉक्स हैं। आपके पास शूज़ होने चाहिए, स्विमिंग शूज़, वरना यहाँ पे नहाना हमारे रेत वाले जो बीचों पे आदि हैं उनके लिए मुश्किल है। तो भाई वेरी नाइस व्यू है, वर्थ ऑफ मनी है ये व्यू। तो भाई मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस जगह पे लाजमी आएँ, इस जगह को एंजॉय करें, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें। आप सुबह जल्दी आ सकते हैं, 2-3 घंटे यहाँ बीच एंजॉय करें और फिर आप वापस जाके अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। बाहर वाले बीचों से ये बीच अच्छा है, लेकिन आप साथ में एक बात का ख्याल रखें कि जो स्विमिंग शूज़ हैं वो लाजमी साथ रखें। मेरे पास तो स्विमिंग का ड्रेस नहीं था भाई, मैं तो वैसे ही घूमने के लिए आया था। तो काफ़ी ज़्यादा धूप चमक रही है यहाँ पे, तो मैं नहा तो नहीं सका। तो अब वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, चलते हैं वापस अपने हॉस्टल से, बैकपैक उठाते हैं तो फिर सीधा भाई कतौर वापस जाना है, क्योंकि अब मेरे पास ये जो 1-2 दिन है वो मैं कतौर में ही स्पेंड करूँगा। तो आज मैंने एक हॉस्टल बुक कर लिया हुआ है जो है सेंट्रल हॉस्टल। ये जो है वो कतौर ओल्ड टाउन के अंदर वाला हॉस्टल है। तो दूसरा जो है वो मैंने एक हॉस्टल जो पुपा हॉस्टल था वो पहले मैंने इन एडवांस ही बुक कर लिया हुआ था, तो मैं दोबारा वहाँ नहीं, मैं चाहता हूँ एक और हॉस्टल ट्राई करूँ, तो चलें एक और ऑप्शन पास में आ जाएगा तो आप लोगों को बुक करने में आसानी। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल के अंदर, देख सकते हो बड़ा ही प्यारा लगा है मुझे ये रूम। बेड्स जो हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है एवरीथिंग। और ये है मेरा लॉकर, तो ये है जी मेरा लॉकर 20 नंबर। ये मेरा बेड है, बैग बाद में रखूँगा, मैं आपको ज़रा एक लुक दे दूँ। कुछ इस तरह से है भाई रूम। आज यार मैं ना बस कुछ मूड में नहीं था, तो इस वजह से कुछ ख़ास जो है नहीं कर सका, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, थक चुका हूँ पता नहीं क्यों। पीलो भी भाई पड़ा है, 2 टॉवल भी मिल गए। तो भाई सुबह मैं उठा हूँ, रात को मैंने कॉफ़ी का सेशे ले लिया था, साबुन ख़त्म हो गया था वो लिया। तो कल भाई मैं 2-2.5 घंटे बाद पहुंचा था बस स्टॉप पे। मैं तकरीबन 10-11 बजे के बीच में, 10 से 11 के बीच में मैं हॉस्टल पहुंच गया था। फिर वहां से वो स्लाइस मिलते हैं 3 यूरो का पिज़्ज़े का, एक बड़ा वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, एक ब्लैक कलर का, पता नहीं वो कैसे डो को ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कलर डालते हैं, लेकिन वॉज़ वेरी टेस्टी। वो एक ली मैंने 3 यूरो की और खाया और सो गया भाई। आज सुबह मैं आइलैंड गया था, वो एक आपको दिखाया था पहले अर्लियर, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। वापस जाके फिर थोड़ी देर रेस्ट की, 10 मिनट, फिर निकल पड़ा और बस ली वहाँ से 4.5 यूरो, 4.50 यूरो का मुझे मिला वो टिकट, और 2-2.5 घंटे में मैं कतौर पहुँच गया। यहाँ की ये हॉस्टल लिया है, इसका नाम है सेंट्रम हॉस्टल इन ओल्ड टाउन में। बनाऊंगा बाद में वीडियो, आज तो वीडियो का मूड नहीं है, आज इतना ही आपको सिर्फ बताना था कि बाद में भूल जाऊंगा। तो भाई 5.5 का पानी लिया था, 6.5 और 4.5 कितना हो गया जी, 6 और 5 11 और क्या लिया मैंने, कहाँ पैसे स्पेंड किए, हाँ एक पिज़्ज़े का स्लाइस आज भी खाया 3 का, तो 12 और 15 हो गए, 6, 5, 11, 14 हो गए जी, 15 ही लगा लो यार, तो 15 और 35 50 यूरो आज के अब तक विद हॉस्टल के लग चुके हैं।
आउट ऑफ कैश हूँ। वो जो 200 था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 20 यूरो बचते हैं उसमें से। हाँ बस 20-22-25 यूरो होंगे कोइंस वगैरह डाल के, पता नहीं मुझे। ये इकलौता नोट है 20 यूरो का, बस यही बचा है। यूरो आपने देखे हुए हैं तो मेरे ख्याल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अभी अगर निकाले तो दिखाऊंगा, वरना इसी 20 यूरो से गुजारा करूंगा, बाकी डेबिट कार्ड से ही पे कर लूंगा। तो भाई कुछ ख़ास नहीं है आज बताने के लिए। वो हॉस्टल बहुत अच्छा था, लेकिन ये हॉस्टल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है। अगर मैंने वो पुपा हॉस्टल में एडवांस में ना पे किए होते तो मैं यहीं रुकता, वहाँ ना रुकता। महंगा है लेकिन एक्सीलेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं सिर्फ रिसेप्शन से रूम तक आया हूँ, सफाई सुथराई, रूम की बनावट, आई मीन वेल प्रिपेयर्ड। किसी ने वाकई इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, रेकमेंडेड है। भाई अगर आप 2 महीने पहले प्लान करते हो तो यही हॉस्टल जिनके मैं पे कर रहा हूँ 35-25, यही आपको 10-12 यूरो में पड़ेंगे। तो देख लो आप कैसे ट्रिप प्लान करना चाहते हो। 1 वीक इज़ मोर देन इनाफ। आप 5 डेज़ के लिए भी आ सकते हो, लेकिन ये है कि रेकमेंडेड जगह जो हैं वो यही है। पुटग्रीसा में 1 दिन रुक लो, बार में 1 दिन रुक लो, 1 दिन 2 दिन बुधवा में और 2 दिन आप कतौर में रुक सकते हो। तो 6 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा रख लें रेस्ट के लिए, तो 7 दिन इज़ मोर देन इनाफ। अब अच्छे से घूम लोगे। मैं तो ज़रा आया अल्बानिया से हूँ तो थोड़ा सा मोराल नीचे गिर जाता है, एनर्जी कम हो जाती है मेरी सेकंड कंट्री में, लेकिन मैंने अल्बानिया से ज़्यादा यहाँ इन्जॉय किया है, मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। महंगा है, ख़र्चा ज़रा ज़्यादा हो जाता है, मेरा हाथ कुछ ज़्यादा खुला है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन यह है कि इन्जॉय किया है। वीडियो सारी बनी हुई हैं, ये पता नहीं कब तक वीडियो आएगी। मैंने 10 दिन से 11 दिन से कोई वीडियो डाली भी नहीं है। आज मेरी सलाह है, मूड है कि मैं एक वीडियो एडिट करके डालता हूँ, फिर बाहर निकलूँगा। तो चलो भाई, बाद में कुछ ख़ास है तो बताऊँगा, फ़िलहाल अगर हॉस्टल का मूड हुआ तो वो भी दिखाऊँगा बाहर से। अगर कुछ मैं लाजमी दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा वाशरूम वगैरह ये वो लटन पड़ना, इसलिए फिर रूम में कोई नहीं था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करो, कमेंट भी किया करो, अगर कुछ मन में बात होती है बताया करो यार, ऐसे ही बंदा सीखता है, आपके मशवरों से भी काम चल सकता है। बहुत सारी वीडियो अभी जापान की भी पड़ी हुई हैं, अल्बानिया की भी, मॉन्टीनेग्रो तो अभी शुरू ही नहीं किया। आज शायद वीज़े की वीडियो डालूंगा कि मैंने कैसे वीज़ा लिया था। तो चलो भाई मैं एडिटिंग पे लगता हूँ, फिर मैं मन ना करे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया तो, नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर। तो जी आज है मेरा यहाँ पे सेकंड लास्ट डे, तो ये हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी वॉशरूम यहाँ का, देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। ये जी कॉमन एरिया है, देख सकते हो कितना प्यारा मेंटेन हुआ हुआ है, वेरी नाइस। और यहाँ से व्यू आप देख सकते हो, ये बाहर ओल्ड टाउन का व्यू है। पैसे थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन जगह कमाल की है। Yes, where I can put this? Here? Yes. And I want to leave my bag here. Where can I put my bag? I really like your place. It's really nice. Yeah? Yeah. Here you go. Oh, that's great. So, you can put here. This is key, the key for. You can take it with you or maybe the dust, whatever you want. Okay. तो ये है जी मेरा हॉस्टल सेंट्रम हॉस्टल। तो booking.com से आप इसको बुक कर सकते हैं। इस तरह का हॉल है। अब जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा सा ओल्ड टाउन घूमूंगा तसल्ली से, क्योंकि ऐसी जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। booking.com से बुक कर सकते हैं, 35 यूरो का है।
इस वक्त। तो ये है जी बाहर का माहौल। ये है मेरा हॉस्टल सामने और ये है ओल्ड टाउन। तो भाई यहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं पानी वाले नल, और पानी यहाँ का पीने वाला है। मैंने एक दो जगह से भरा है, पिया है, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं नहीं किसी भी रिस्क में फंसना चाहता कि भाई पानी पी के कल में पेट ख़राब हो जाए तो कोई पंगा हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो पानी भाई यहाँ पे बहुत महंगा है। नॉर्मल पानी की बोतल बड़ी वाली जो है 1.5 यूरो की मिलती है, 1.50 सेंट। तो भाई मैं आज मिला हूँ एक तुर्किश यूट्यूबर से, ट्रैवलर हैं, और वो ये सोवनियर वगैरह बेच के ट्रैवलिंग करती हैं। और पता है आपको कितने पैसे डेली कमा लेती हैं? 50 यूरो पर डे कम से कम वो ये चीज़ें बेच के कमा लेती हैं आसानी के साथ। रिकमेंडेशन ये है मेरी कि अगर आप आते हो तो ये ऐसा काम करके, ऐसी चीज़ें बेच के भी आप अपना सिस्टम चला सकते हो। सिर्फ एक बोर्ड आपने अपने साथ लिख के रखना होता है कि ट्रैवलिंग प्लीज सपोर्ट मी, दैट्स इट। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे फ़ोटो डालूंगा, वही जाके देख लीजिएगा मोंटीनेग्रो वाली सीरीज़ में। तो मिलवाते हैं आपको उनसे। तो वो सामने खड़ी है, वो चलते हैं मिलते हैं। हेलो, आई एम वेरी गुड, से हेलो टू देम। हेलो एवरीवन, या गिव योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, वेयर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर नेम? आई एम फ्रॉम टर्की, माय नेम इज चीचेक। चीचेक, तो भाई चीचेक पता है आपको, ये अर्थगोल ड्रामे में भी एक चीचेक थी, ये वो वाली नहीं है। आई एम टेलिंग देम अबाउट दैट, यू नो चीचेक वाज इन अर्थगोल सीरीज, सो शी इज नॉट दैट वन, बट शी इज चीचेक ऑल्सो। Where is your friend? Our friends eat food. Eat food already. Okay. वो वहाँ पे है भाई ओल्ड टाउन, ये रोंडा बोंडा वो सुपर मार्केट है, वहाँ से आपने थोड़ा सा इधर आना है, ये रेस्टोरेंट है, ये हलाल है, तो ये इनका मेन्यू भी है। और यहाँ पे आप बेफिक्र होके खा सकते हैं, ये शी इज द वन टोल्ड मी अबाउट दिस रेस्टोरेंट, राइट?
तो जी इनसे पूछते हैं कि ये कितना डेली खर्चा करती हैं, हाउ मच यू स्पेंड फॉर एवरी डे फॉर फूड, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो सैंडविच टोस्ट, हाउ मच, टू हाफ यूरोस और थ्री यूरोस, या टू यूरोस, ओके, एंड आफ्टरनून, या मेबी फाइव. Afternoon 5? Yeah. Okay. Evening, I'm going to the supermarket. Maybe watermelon, maybe cheese. Okay. Yeah, like. Right. And night? Night? Oh, three times. Ah, three times. Yeah. Okay. So how much per day? Like 10? 15. Yeah. And you're living where? In a hostel? No, hostel. Expensive, yeah. So I have tent, and 15 minutes, I think. Ah, you sleep in tent, okay. So look guys, she is traveling like this. Yeah, 1 year and 4 months. Oh, yeah. एक साल चार महीने से travel कर रही है, ठीक है? और tent में रहती हैं, और souvenir बेच के तकरीबन 50 यूरो उसके कमा लेती हैं और traveling. Your mind is really nice. Really? Yeah. Really? I like. You like? I'm Kurdish. Ah, you're Kurdish? Yeah, oh, I'm Kurdish. Okay. Yeah. I'm from Diyarbakir. You know? Diyarbakir. Turkey. Ah, where is Diyarbakir? Suriya. Near Suriya? What is the name of? Oh, near. What is called that border for Azerbaijan? No, Azerbaijan. No. What is the name of that place? It's very famous. Okay, I will see in the Google. तो भाई खाना दिखाते हैं आपको क्या लिया है खाने रे खाने. So you wanna say anything to the people, subscriber of mine? Yeah. What you want? I have YouTube channel. Ah, what is name of your YouTube channel? Candy Yoda. Turkish channel. Yeah, how to spell? What is the spelling of your channel? I mean like Kendi Yolla. So K? K E N I don't know. K E N D D E E Yeah. This yeah? Yeah. Why? Yeah. Why? O L L D D E E. Yeah. Okay. Show them in your mobile. So guys, it's her channel in YouTube. So subscribe her. Yes. And support her. Thanks so much. So भाई ये है आज का लंच with Pita. टमाटो सैलड प्याज चीज, दिस इज चीज और योगर्ट, योगर्ट, ओके, चिकन और दिस इज तुर्किश लेडी, तुर्किश गर्ल, ट्रैवलर. यस, यू हैव अ फूड चैनल आल्सो. यस, आई हैव टू चैनल, दिस फूड चैनल. हां, ओके गाइस, सब्सक्राइब बोथ. थैंक्स सो मच. तो भाई ये दो प्लेट का हमारा खर्चा आया है 19 यूरो विद pork and this is the food for today. तो भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी काम करते हैं छुट्टियों वाले दिन में. तो ये थीं, ये भी अपने जो अजीज़ थी, इनकी रिलेटिव थी, जो ओनर थी इस रेस्टोरेंट की, उनकी ये हेल्प कर रही थी बगैर पेमेंट के. कह रही थी कि मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की थी लेकिन किसी वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं. तो भाई ये आइसक्रीम, ये जो तुर्किश यूट्यूबर हैं इनकी तरफ से थी, क्योंकि खाने का बिल मैंने पे किया था. तो फिर ये आइसक्रीम के पैसे इन्होंने दे दिए थे. वो चाह रही थी कि वो अपना बिल खुद पे करें, मैं अपना खुद पे करूं. तो खैर मैंने पे कर दिया, तो आइसक्रीम फिर इनकी तरफ से हुई. ये शायद तीन ढाई तीन रुपये यूरो की जो थी आइसक्रीम थी. तो ये जी
इनके जो दोस्त हैं वो ये बचाते हैं, और ये वो भी यूट्यूबर हैं एक, तो ये यहाँ ट्राई कर रही थी, इसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। Selamun aleyküm. Aleyküm selam. What is your name? My name Arif. Arif from? Yeah. Turkey, Istanbul. Istanbul. Yeah. Oh, nice, nice. Very nice to meet you, brother. Yeah, nice to meet you, brother. Uh-huh. Nice to जी, ये भाई साहब का YouTube चैनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भाई साहब भी एक YouTuber है। तो भाई जाने का टाइम हो गया है, कहते हैं इनको बाय बाय। Bye bye. Nice to, yeah, nice to meet you too, brother. Nice, yeah, to meet you. Nice, mm-hmm, to meet you. Thank you for ice cream. Yeah. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Habibi, come to Dubai. तो भाई मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी। ये देखें, ये तख्ता है दरवाज़े का, और ये जो है इसको खींचने वाली संगली कह सकते हैं आप। तो ये ऐसे करके उठ जाता है दरवाज़ा बंद करने के लिए। तो यहाँ से ये ऐसे घुमा के तो इसको खींच के दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ये काम नहीं करता है अभी, वर्किंग में नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं ये दरवाज़ा बंद करने के लिए, यही दरवाज़ा है जो पुराने ज़माने में किलों को बंद करने के लिए होता था। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह का, और ये तख्ता जो है ये बंद हो जाता था, लेकिन अभी वर्किंग में नहीं है। इनको इसका ख्याल रखना चाहिए था, कभी कभार इसको खोलते बंद करते। और ये लेक है, इसमें मछलियाँ वगैरह भी हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। तो भाई उनको खैराबाद कह दिया, बहुत अच्छा लगा यार। ट्रैवलर जो लोग होते हैं ना, उनका अपना ही जो है फंडा होता है। देखते हैं कोई मछली वछली नज़र आती है कि नहीं। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, मेरे ख्याल में ये चश्मे का पानी है। ये पानी साफ़ है, ये थोड़ा सा गदला सा लग रहा है, मेरे ख्याल में ये फ्रेश आ रहा है, इसलिए दिखाता हूँ आपको। तो भाई कुछ इस तरह का है। तो चलते हैं, आज की वीडियो मेरे ख्याल यहीं तक रहेगी।
कुछ ख़ास है नहीं यहाँ दिखाने बताने के लिए, और तो कल से शुरू करूँगा दोबारा इसको, आगे कंटिन्यू करूँगा। ये बिल्ली आज फिर यहाँ बैठी हुई है, मुझे लगता है इसका ठिकाना ही यही है। बिल्लियाँ बिल्लियाँ भाई, काफ़ी सारी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका नाम भी कैट स्क्वायर है इस ओल्ड टाउन के अंदर। तो चलो भाई चलते हैं अपने हॉस्टल, खाना भी खा ली, आइसक्रीम भी खा ली, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो भाई जहाँ भी ऐसे लोग देखो, कोशिश किया करो कुछ ना कुछ उनसे ख़रीद लिया करो। सारी चीज़ें जो उसके पास थी वो मेरी समझ से तो बाहर थी, तो मैं तो ऐसा कुछ खाने के पैसे वो दे रही थी मेरे, लेकिन मैंने उसको नहीं देने दिए, मैंने दे दिए। फिर भी उसने आइसक्रीम मुझे, वो है, उसने कहा चलो अगर तुम नहीं मानते तो आइसक्रीम मैं लेके दूंगी। यार देखो पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? तो चलो कल फिर वीडियो को यहीं से स्टार्ट करूँगा, कैसा रहता है मेरा एग्ज़िट का प्रोग्राम, स्टैंप लगती है नहीं लगती, कैसे जाता हूँ, क्या घूमता हूँ, कहाँ घूमता हूँ, कल इसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे।